सब्सक्राइब कीजिए पीजूस टेक चैनल को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं डिकानेक 24 इंच फुल एचडी एलईडी टीवी के बारे में। तो इसका फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि डिकानेक का जो प्रोडक्ट होता है वो बाहर कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ रिलायंस का जो स्टोर होता है डिजिटल स्टोर वहीं पर ही आपको मिलेगा। तो इसे अगर वीडियो देख के अगर आपका टीवी अच्छा लगता है तो आप परचेस करने के लिए reliancedigital.in पर जा सकते हैं या फिर रिलायंस का जो स्टोर आता है वहाँ पर जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टीवी के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। ये जो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बॉक्स के अंदर जो वॉल माउंट आता है और वॉल माउंट के जो स्क्रू होता है वो सब कुछ मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे जो टेबल स्टैंड होता है वही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं रेड पैकेट और वाइट पैकेट में पैकिंग किया हुआ है। तो उसको साइड में रख लेते हैं। तो अभी हम लोग टीवी को बाहर निकालते हैं। बाहर निकल गया। टीवी बहुत ही छोटा है क्योंकि ये जो टीवी है 24 इंच का है, ये 1 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसके साथ आपको मिल जाएगा 2 साल का वारंटी और टीवी आपको स्मार्ट नहीं मिलता है, नॉर्मल टीवी है। यहाँ पे आप HDMI पोर्ट भी मिल जाएगा आपको। आप अगर चाहते हैं कि HDMI पोर्ट लगा के आप टीवी को स्मार्ट बना सकते हैं, गूगल क्रोमकास्ट या फिर अमेजन फायर स्टिक लगा के, तो भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको सर्विस के लिए सिर्फ आप रिलायंस डिजिटल में आप जब खरीदेंगे टीवी तो वहाँ पर ही आपको बोल दिया जाएगा, सर्विस नंबर दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे कॉल लॉग कीजिएगा, आपको होम सर्विस मिल जाएगा। तो आप अभी देख सकते हैं हमारा जो स्टैंड है टेबल स्टैंड वो हमने लगा दिए हैं। अब जो पावर केबल होता है उसको हम लोग खोल के लगा देते हैं। पीछे टीवी का कुछ फीचर्स दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं टीवी हम लोग लगा दिए टेबल पे। उसके बाद सामने से आपको टीवी देखने में ऐसा लगेगा, छोटा सा टीवी है, कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी का मॉडल नंबर, फुल HD, HDMI पोर्ट मिल जाएगा, USB पोर्ट मिल जाएगा, 2 ईयर्स वारंटी, सब कुछ फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी देख लेते हैं टीवी ऑन करके पिक्चर क्वालिटी कैसे मिलता है टीवी में। तो ये हमारा टीवी ऑन हो गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केबल ऑपरेटर जो लाइन होता है वो टीवी में अभी तक डाला नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं उसको। देख सकते हैं यहाँ पे HDMI इंटरलाइसिंग हो रहा है, तो हमारा अभी टीवी ऑन हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। कुछ जानकारी हो चाहिए होगा, कुछ सजेशन होगा तो वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं हमें। और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।